उधर रूस ने ऐलान किया कि उसने बेलारूस को परमाणु हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे दी है, यानी बेलारूस को बस रूस के परमाणु बम मिलने की देर है। एक बार उसके हाथ परमाणु हथियार लग गए तो यूक्रेन और यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। पुतिन ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि वो रूस के कुछ परमाणु बम अपने दोस्त और पड़ोसी बेलारूस में तैनात करने वाले हैं, और उन परमाणु हथियारों को चलाना सिखाने के लिए रूस ने बेलारूस की वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी। रूस ने दावा किया कि बेलारूस के पायलट परमाणु बम लॉन्च करने में माहिर हो चुके हैं। अगर बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात हो गए तो यूक्रेन की राजधानी कीव खत्म है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है और उसके बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का ही है, यानी पुतिन की तैयारी यूक्रेन को दो दिशाओं से घेरने की है। रूस खुद यूक्रेन का पड़ोसी है, इसी वजह से पिछले साल रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी, और अब बेलारूस में भी रूस के परमाणु हथियारों का अड्डा होगा। पुतिन के इस फैसले से यूक्रेन के साथ साथ नेटो के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इससे नेटो भी पुतिन के परमाणु बमों के रेडार पर आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि बेलारूस पोलैंड, लिथुएनिया और लातविया जैसे देशों का भी पड़ोसी है। बेलारूस इनसे 1250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है, और पोलैंड, लिथुएनिया और लातविया नेटो के सदस्य हैं। इसी वजह से बेलारूस की अपने इन तीनों पड़ोसियों से रत्ती भर नहीं बनती। अब तक वो अपने दुश्मनों को बस धमकी ही देता आया है, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्ब बेलारूस की जमीन पर तैनात होंगे, और बेलारूस के दिमाग का कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से यूक्रेन से लेकर अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन नेटो तक परेशान है। ऊपर से पुतिन अपने जो परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने जा रहे हैं वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कभी भी किसी भी जंग में नहीं चलाए गए हैं। लेकिन पुतिन के तेवर देखकर लग रहा है कि जो आज तक नहीं हुआ वो यूक्रेन की जंग में हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की रेंज कम होती है और वो साइज में भी छोटे होते हैं, लेकिन वो मुसीबत बड़ी होते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जंग में एक खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह कर देता है। वो चलाने में भी आसान होते हैं, और अमेरिका का अनुमान है कि रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर इतने बम रूस ने चला दिए तो यूक्रेन का भगवान ही मालिक है। इधर लापता भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर का रेस्क्यू कर लिया गया। नेपाल की अन्नपूर्ण चोटी से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, जिसे फतह करने के बाद लौटते वक्त वो लापता हो गई थी। उन्हें नेपाल की अन्नपूर्ण चोटी से रेस्क्यू कर काठमांडू लाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की रहने वाली बलजीत कौर पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एक महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली चार चोटियों को फतह किया था। उधर हरियाणा के करनाल में एक राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में दबकर वहां काम करने वाले 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के समय राइस मिल में करीब 150 लोग सो रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक इमारत गिरने के बाद कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। धड़धड़ा के सारा मकान गिर गया और पूरा आग लग गया था। बाद में NDRF और SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया।